एवरी वन कैसे हैं आप सब आज की हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री नाइन्थ क्लास मैथमेटिक क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द स्क्र रूट ऑफ द एलजिबिक एक्सप्रेशन बाय फैक्ट्राइजेशन मैथड अब इससे पहले हमने अलहमदिल्ला आप लोगों को फैक्ट्राइजेशन से मैथड से जो है वो एल सी एम हाईस कॉमन फैक्टर हर चीज़ लेना बताई अब आज के हमारे इस क्वेश्चन में सवाल हमारा ये है कि हमें स्क्वेयर रूट फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है ठीक है जी क्या फ़ाइंड करना है जैसे कि सवाल आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन कि आप फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द दल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ये येबिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन फैक्ट्राइजेशन से ठीक है जी अब फैक्टराइजेशन मैथड आपको पता है कॉमन भी अप्लाई हो सकता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है अब हर तरीके से इसको ईजीली जो है वो कर सकते हो अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है अगर आप देखो तो मैं आपको कह सकते हैं हम यहाँ पर कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि आप लोगों को अलहमद आज हमारी लास्ट एक्साइज एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री एफन में बहुत डिटेल में फॉर्म लास्ट को डिस्कस किया देखो बच्चे ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है आप सबको पता है वो बराबर है ए स्क्वा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वा ये आप सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस में ठीक है जी और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस की ठीक है जी उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आती हैं अब आपको नज़र आ रहा है अगर हम इसको ओपन कर कर देखें इस फॉर्मेट में ओपन करूँ अगर मैं इसको तो अब क्योंकि हमारे पास दो टर्म जो है वो स्क्वायर में है इधर भी और इधर भी और परफेक्ट स्क्वायर है देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये सिक्स थर्टी सिक्स है तो हमें पता है सिक्स का स्क्वायर क्या होता है थर्टी सिक्स होता है और फाइव का स्क्वायर होता है हमारे पास ट्वेंटी फाइव ठीक है जी तो हम इस तरह कर सकते हैं इसको देखो पहले फॉर्मेट बना लो देखो ये ए स्क्वा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब जिन बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स वॉच नहीं किए अभी जो फॉर्मेट बनाना मैंने अलहमदुल्ला अपने तमाम बच्चों को सिखाया हुआ है तो आप लोग भी कोशिश करें इंशाल्लाह कोशिश करूंगी जो बच्चे मेरे पहली दफा मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको इंशाल्लाह समझ में आएगा ये थर्टी सिक्स है तो हम ये सिक्स हो गया हमारे पास एक्स सिक्स एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है ऐसे लिखें ऐसे लिखें अब ये फाइव है तो फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास दोनों टर्म जो है वो हमारे पास क्या है स्क्वायर में आपको पता है यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर आता है बी अभी जो बीच वाली टर्म है इसको सॉल्व कर कर देखो क्या सिक्सटी आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो सिक्स टू ज ट्वेल्व होता है ट्वेल्व फाइव सा हमारे पास क्या होता है सिक्सटी वेरिएबल एक्स वाई लग जाएगा और माइनस साइन आ जाएगी तो इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से इसको जब हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को तो ये चीज़ हमारे पास दोबारा से आ जाती है ऐसा ही है अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ सिक्स इस वाले फॉर्म में ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कि हमारे पास तो हम कहेंगे सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही है इस फॉर्मेट पर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया अब हमें तो क्या चाहिए हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई और इसके ऊपर हमारे पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा आंसर है सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई ठीक है जी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू की जाने पाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं नाइन एक्स स्क्वेर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायेर प्लस सिक्स अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ यहाँ पर इस सवाल को यहाँ पर लिख देखो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम कैसे अरेंज करेंगे देखो नाइन एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स और प्लस वन ओवर एक्स तो इस तरह भी एक फार्मूला हमारे पास बन सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का ठीक है जी कैसे बनेगा आप फार्मूला बनाकर देख लो बेशक ए स्क्वा प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर ये ए है और ये आपके पास बी है तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर परफेक्ट भी देख लीजिएगा थ्री है बिल्कुल सही है थ्री एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर एक्स ठीक है जी होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि बाहर आ जाएगा अब आपके पास यहाँ पर आप ए रखो और यहाँ पर आप बी रखो वन ओवर एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो गया देखो फर्क कर कर देख लो क्या बीच वाली टर्म आ रही है टू थ्री या सिक्स देखो ये हमारे पास क्या है वाकई ही हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से ले काट काटना सिर्फ समझाने के लिए काटा है आप नहीं काटिएगा सब समझाने के लिए मतलब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो अगर मैं इस तरीके से अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखें तो हम कह सकते हैं थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इस तरीके से हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट तो थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स इसके होल पर स्क्वायर था ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा आंसर इज थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स नोट कर लीजिए ये जो आंसर है मैं इनको ब्लॉक्स में इस तरह बंद कर देती हूँ ठीक है जी जल्दी से आप इसको नोट कर अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है फोर एक्स इज पावर ऑफ फोर वाई द पावर ऑफ़ फोर माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब वाई क्यू डि जेड स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड होल सॉरी जेड इज द पावर ऑफ फोर ठीक है जी हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अच्छा आप कहेंगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बना रही हैं इस वजह से क्योंकि बेटा जब आपके पास अपॉन में वैल्यूज़ आ जाती हैं फ्रैक्शन में इस तरह नहीं मेरे ट्रपाइन बना रहे हैं तो थोड़ा सा वैल्यू अब इस तरह करके भी बना सकते हो बड़ा सा कोई इशू नहीं है ऐसे भी बना लो कोई इशू नहीं है ठीक है जी बस कोशिश करनी होती है कि पूरी चीज़ ब्रैकेट के अंदर आए तो इसको मैं इस तरह ब्रेक करूँगी टू हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर अब एक्स के ऊपर पावर फोर है तो ये एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा और वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा ठीक है जी यहाँ पर क्या है हमारे पास नाइन तो आप थ्री x के ऊपर स्क्वायर है y पे स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो और सिर्फ थ्री एक्स वाई आएगा और जेड के ऊपर पावर फोर है तो z पर स्क्वायर आएगा ठीक है जी अब a वाला इधर लिख दो और ये b वाला जो है वो आप इधर लिख दीजिए x y और z स्क्वायर अब आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो आपके पास ये टर्म आएगी टू टू ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स जो है उसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे वन पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है पावर क्यूब आ रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई वन है ये इस तरह आप चेक कर लिया करें कि आपने जो बनाया है वो आए ठीक भी बनाया है कि नहीं फॉर्मेट बनाना ना आए तो इस तरह करके देख लिया करें अब यहाँ पे फॉर्मेट इस तरह लिख सकते हैं माइनस भी होल स्क्वायर तो हम करेंगे टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है जी माइनस थ्री एक्स वाई और जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसको हमने क्या किया है जस्ट इस फॉर्म में बना लिया है अच्छा अब हमें क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे अंडर रूट तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई ओवर जेड स्क्वायर और ऊपर हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा आंसर इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर ठीक है जी चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर की जानक क्वेश्चन नंबर फोर बताते हैं आपको किस तरीके से होगा अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है थर्टी सिक्स थ्री माइनस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर्टी थ्री माइनस टू एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर ठीक है जी अब यहाँ पर जो ये फोर्टी है ना ये फोर्टी नहीं है ये फोर्टी एट है आपकी बुक में मिस्टेक है देखिए मैं आपको फार्मूला ओपन कर कर दिखाती हूँ अगर हम कहें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर तो देखें ए हमारे पास क्या ये हो जाएगा सिक्स और ब्रैकेट में है थ्री माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर ए हो गया और बी हमारे पास सिक्सटीन है तो फोर वाई अब देखो जहाँ बी है वहाँ बी रख कर देखो बच्चे और जहाँ ए है वहाँ पर आप ए पुट कर दो टू माइनस एक्स अब मल्टीप्लाई करो देखो सिक्स को टू टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है ट्वेल्व आता है और ट्वेल्थ का टेबल फोर टाइम पढ़ो तो फोर्टी एट आता है फोर्टी नहीं आता तो यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग मिस्टेक है फोर्टी एट कर लीजिएगा बहुत सारी आपकी इस बुक में मिस्टेक्स हैं अच्छा जी अब अगर हम इसको इस तरह लिख दें सिक्स थ्री माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस आ रहा है यहाँ पर तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर वाई आप बेशक ब्रैकेट ना लगाएं इस जगह पे वहाँ लगाना चाहते तो वहाँ लगना ज़रूरी था क्योंकि वो सिक्स का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ ये आपके पास हो जाएगा डायरेक्ट लिख दीजिए आप फोर वाए और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर ठीक है जी इस तरीके से तो आपके पास ये जो फॉर्मेट बनेगा इसका ये बनेगा यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको जो है यहाँ पर लिख दिया है अच्छा बच्चे अब हमें पता है सिक्स का स्क्वायर जो है वो हमारे पास अब आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो आप यहाँ पर इसको ये आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो ब्रैकेट को ओपन करना चाहें ओपन कर लीजिए डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा दो तो बाकी हमारे पास जो बचता है इस तरह भी कर लो आपकी अपनी मर्जी है तो हम एक काम करते हैं पहले इस ब्रैकेट को यहाँ से ओपन कर देते हैं सिक्स को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करो तो एटीन सिक्स टू जैट ट्वेल्व एक्स वाई मैंने पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया है ठीक है जी अब हमारे पास कुछ इस टाइप का इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया है अब हमें स्क्वायर रूट लगाना है अब मैं इस पूरे पे अगर स्क्वायर रूट लगा देती हूँ एटीन माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई इस होल पर स्क्वायर था ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा देन आंसर इज एट माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई डब्बे में कर लो बंद ठीक है जी इसका यही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो भी बहुत आसान है इसी तरीके से सॉल्व होगा ठीक है जी चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्स स्क्वेर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू अच्छा अब यहाँ पर आप देखो कि बाज़ा कुछ ऐसी चीज़ें ऐड भी करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ एक्स स्क्वायर पर तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये फार्मूला किसी तरीके से अरेंज हो जाए तो मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पर मैं प्लस टू एंड माइनस टू ऐड करती हूँ तो आप यहाँ पर लिखोगे एडिंग प्लस टू एंड माइनस टू पूरे एक्सप्रेशन के साथ तो आप चाहो तो एक साथ इस तरीके से भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू अब मैंने कहा कि माइनस टू एंड प्लस टू जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ उसके साथ ठीक है जी तो आपकी मर्जी अगर आप चाहें तो इस तरह अलग करके साइड पे कर लें लेकिन आना तो इधर ही है तो इसका बेस्ट वे यही आप एक काम कीजिए यहाँ से ये वाला जो आपके पास माइनस टू है इस प्लस टू को इसके साथ रखिए और माइनस टू को इधर ले आइए एक स्टेप जो है ना आप स्किप कर दो देखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन होगा एक्स स्क्वायर देखो ऐसे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर ठीक है अब आप चाहते हैं तो आप इसको बेशक इधर ही रखें यहाँ माइनस टू भी रख सकते हो नेक्स्ट स्टेप कर लो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला एक्सप्रेशन ले आओ आपकी मर्जी लेकिन एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने ताकि यहीं मैं आपको सॉल्व कर, कर दिखा दूँ यहाँ तक समझ में आया आपको अब ये टू और टू आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चे ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर फोर ठीक है जी टू एंड टू आप प्लस कर लोगे तो जाहिर है आपके पास फोर आ जाएगा पहले आप कर लें अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मे भी अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाए तो आप एक काम करें आप उसी तरीके से कर लें बाद बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे मिस ने ये टू यहाँ माइनस का टू इसमें क्यों पुट कर दिया है चले यहाँ माइनस टू फिलहाल मैंने ऐसे ही रखा अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक काम करती हूँ एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस टू यहाँ ले आती हूँ प्लस वन ओवर एक्स में अब खुश हो गए आप लोग चलें जी ये बाकी ऐसे ही रहा आपके पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स और ये वाला माइनस टू इधर ले आई थी तो ये दोनों को प्लस कर दो टू और टू हो जाएगा प्लस का हमारे पास यहाँ पर फोर ठीक है जी अब देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर किस तरीके से अगर मैं इसको कह दूँ इस वाले को कि ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर है तो गलत ना होगा ऐसे ही है माइनस ए माइनस ये आपके पास ए हो जाएगा बी मैं आपको कर कर दिखाती हूँ टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर देखो जी आपके पास टर्म हो जाएगी अब यहाँ पे ए आ जाएगा ए आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स माइनस वन ओवर एक्स और बी आपके पास टू है टू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास फोर ठीक है जी इसको हमने इस फॉर्मेट में ले लिया मल्टीप्लाई कर कर देखो क्या यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है देखो टू टू साफ फोर और एक्स माइनस वन ओवर एक्स इसी तरीके से आ रहा है बच्चे ठीक है और ये टू का स्क्वायर फोर अगेन हम वही वाला फार्मूला हमारे पास अगेन जो है वो ओपन हो गया है अब अगर इस पूरे फार्मूला को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये पूरी चीज़ ए है और ये मेरे पास बी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको एक्स माइनस वन और एक्स पूरा ए है और माइनस टू होल स्क्वायर ठीक है जी अब हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं आप चाहें तो एक स्टेप आगे जाके लगा लें ए के ऊपर लगा दें ऐसे करके कोई इशू नहीं है अब तो अलहमदिल्ला आप लोगों को बहुत अच्छा आ गया है बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट एक स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो ठीक है जी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू आपके पास आपका क्या है आंसर इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन नाइन एक्स स्क्वे माइनस फिफ्टी फोर एक्स प्लस एटी वन अब हमारे पास अगर आप एक चीज नोट करो बेटा तो हमारे पास ये एक स्क्वायर बन रहा है दोनों तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर है इनके स्क्वायर देख लें आप यहाँ पर नोट करें एक चीज़ तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है दोनों के ऊपर ठीक है जी कौन सा ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला दिस वन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब तो बहुत बच्चों वाली चीज़ हो गई है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये खुद करना चाहिए ठीक है जी आ जाते हैं आगे अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला ओपन कर दूँ दोनों को ओपन करते हैं ये हो जाएगा फॉर्मेट बना लो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ से आप बनाओ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर ठीक है जी अब यहाँ पे फोर है तो ये टू एक्स हो गया यहाँ वन का स्क्वायर आपको पता है वन होता है ए की जगह ए और बी की जगह बी ठीक है जी नाइन है तो थ्री एक्स स्क्वायर और नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन ठीक है जी यहाँ नाइन और यहाँ थ्री एक्स अब मल्टीप्लाई कर कर देख लो क्या बीच की टर्म आ रहा है टू इंटू टू फोर फोर वन जो फोर बिल्कुल टिक आ रहा है वेरिएबल एक्स आएगा टू थ्री जो सिक्स नाइन जो फिफ्टी फोर वेरिएबल एक्स आएगा बिल्कुल टीक सेटिस्फाई कर रहा है एक बार चेक कर लिया कीजिए इसका फार्मूला हमारे पास है टू एक्स माइनस वन इस तरह अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर कर दूँ तो गलत ना होगा और ये वाला मैं कर सकती हूँ थ्री एक्स माइनस नाइन होल स्क्वायर समझ में आया अब इन दोनों पे हमें तो लगाना है रूट हम लगा देंगे टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर थ्री एक्स माइनस नाइन होल स्क्वायर इन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आंसर एज टू एक्स माइनस वन हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड तमाम क्वेश्चंस आगे होने वाले इसी तरीके से होंगे आपने इसी तरीक़े को फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर फाइव को नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की जानब बढ़ते हैं फॉर सॉरी ये आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स था सेवन करते हैं अभी, ठीक है जी नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज़, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ये भी दो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है सेकंड एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर है दोनों तरफ तो हम दोबारा वही फॉर्मेट बनाओगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्र ब्रैकेट क्लोज अगेन ए स्क्वायर माइ इसके लिए बना रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी होल स्क्वायर अब यहाँ पर x आएगा यहाँ वन यहाँ a आता है और यहाँ b इसी तरीके से है यहाँ पर x आएगा यहाँ पर थ्री का स्क्वायर नाइन इधर a आता है और इधर b आप सबको पता है थ्री आएगा यहाँ पर ठीक है जी ऐसे टू थ्री जहाँ देखो सिक्स बीच में देख लो टू वन जा टू बिल्कुल ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है आप इसको इस तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिखो तो हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे इधर प्लस होता तो आप प्लस लगाते ये चीज आपने बड़े ध्यान से रखनी है अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्स माइनस वन का अच्छा इसको आप फैक्टराइज मिडल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो जरूरी नहीं इस तरह फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग भी हो रही है क्या ए इंटू सी क्या आ रहा है आप देखो हमारे पास यहाँ पे नाइन आ रहा है तो हम ऐसे कौन से दो फैक्टर्स रखें जो सेटिस्फाई कर रहे हों बेसिक बेहतरीन बै मेथड यही वाला होता है वो भी मैं आपको कर कर दिखाती हूँ देखो ऐसे जो मैं आपको भी बता रही हूँ तरीका भी बता देती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूला अप्लाई करके करो अगर आपके पास मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है कोई को भी क्वेश्चन है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप उसके जरिए भी कर सकते हो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया इससे इसको कैंसिल कर दिया देन आंसर इज एक्स माइनस वन और एक्स एक्स माइनस थ्री ये आपके पास आपका आंसर है ठीक है जी अच्छा अब अगर इन्हीं फैक्टर्स को अगर मैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाओ तो कैसे बनाओगे देखो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है ना मैं दोबारा उठा रही हूँ वही एक्सप्रेशन दोबारा यहाँ पर आप देखो यहाँ पे अगर हमें ए इंटू सी ये ए है और ये हमारे पास क्या है सी है आप सबको पता है ये ए है ये बी है और ये सी है इसका ये ए है ये बी है और ये सी है हमें ए इंटू सी फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए ए इंटू सी क्या चाहिए हमें चाहिए वन और बी जो है ये वाला हमारे पास ये चाहिए माइनस का टू हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं इस माइनस टू को किसी भी दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर वन आ जाए वो दो फैक्टर और आपस में सॉल्व करने पर माइनस का टू आए अगर मैं एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रखा वन अपनी जगह पर इस वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं माइनस टू एक्स को अगर माइनस एक्स और माइनस एक्स रखू तो वन वन जगह क्या होता है पॉजिटिव वन हो जाएगा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और माइनस माइनस अगर ऐड करती हूं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है पहले इसको जस्ट वन कॉमन प्लस माइनस एक्स माइनस वन ये देखो आ गया एक्स माइनस वन और यहाँ से आ गया यहाँ पे यहाँ पे भी आ गया हमारे पास एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन क्या होता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे ही है ना अच्छा इधर वाला देख लो अभी सेकंड वाला ये कैसे होगा इधर देखो एक्स स्क्वायर और हमारे पास हमें ए इंटू सी चाहिए नाइन यहाँ वन है और यहाँ नाइन है ठीक है बी हमें चाहिए माइनस का सिक्स तो हम ऐसा क्या मल्टी इस माइनस सिक्स को ऐसे ब्रेक करें किसी भी दो फैक्टर्स में कि हमें मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट पे नाइन आ जाए और सॉल्व करने पे माइनस का सिक्स आए तो हमें क्या करना चाहिए अगर मैं माइनस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री एक्स रखती हूँ बच्चे देखो थ्री थ्री सा क्या होता है नाइन होता है देखो ऐसे माइनस थ्री और माइनस थ्री इन दोनों को सॉल्व करो

रख लेना होता है हमें क्या करना है यहाँ पे हमें लेना है कॉमन तो एक्स माइनस थ्री यहाँ से माइनस का थ्री कॉमन प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जन नाइन जो कॉमन आता है एक तरफ रख लेते हैं और ये बाहर वाला एक्स माइनस थ्री हो गया तो ये एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर देखो इसके फैक्टर बन गए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वही वाली कहानी आ गई अभी कितनी बड़ी कहानी थी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप दोबारा इन पर स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो इस तरीके से हमें तो क्योंकि स्क्वायर रूट मांगा है ना इससे कैंसिल हो जाएगा देन आंसर इज एंड थ्री समझाने का मकसद ये था कि आप मिड टर्म स्प्रिटिंग के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं चलो इसको नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर एट है इसको नोट कर लीजिए नाउ क्वेश्चन नंबर एट इस प्लस एट एक्स आप यहाँ पे कॉपी कीजिए जब तक मैं आपका क्वेश्चन कॉपी करती हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दिया करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ साथ शेयर करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप ज्वाइन कर लें और अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है अब ये भी आपके पास देखें अब अगर आप नोट करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना तो पाँच पंद्रह और छः ये चीज़ आपने नोट की हमारे पास भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अभी हमें क्या करना चाहिए हम एक काम करते हैं यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर देखते हैं यहाँ स्प्लिटिंग होगी ठीक है अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेवन सिखाया उसी तरीके से आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है स्प्लिट करना है पहले हम इसको बना लेते हैं अब एक्स स्क्वायर इसको मैं किस तरह ब्रेक करूँ कि मेरे पास पंद्रह आ जाए थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स देखो पाँच को तीन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पंद्रह आता है फिफ्टीन और फाइव में थ्री ऐड करती हूँ तो एट आता है इसका मतलब यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है वन बाय वन इनके वाले फैक्टर्स बना लेते हैं हम ठीक है यहाँ पर आ जाओ अगर मैं टू एक्स में फाइव एक्स को प्लस करती हूँ सेवन आता है और फाइव टू जो टेन होता है तो ये भी फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है मजे की बात इस क्वेश्चन में ये है कि सारे टर्म्स प्लस में हैं फिर तो परेशानी वाली बात होनी नहीं, नहीं चाहिए बच्चों को अब पाँच कैसे आता है टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव होता है थ्री को टू टीम मल्टीप्लाई करो तो सिक्स आता है अब हमें क्या करना है इन सब के यहाँ से कॉमन ये डैश आप ना डाल दीजिएगा एग्जाम में सब समझाने के लिए है इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स अंदर बचा यहाँ पे एक्स एक्स प्लस थ्री यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है फाइव क्योंकि फाइव के टेबल में फिफ्टीन आता है अगर हमने यहाँ से फाइव कॉमन उठाया है फाइव प्लस लगाया फाइव का टेबल थ्री टाइम पड़ा तो फिफ्टीन आ गया क्लियर आप इधर वाले को देखो अच्छा एक काम और भी कर सकते हो आप यहाँ पे आपके मिक्स ना हो जाए तो आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट भी बना लो ठीक है जी इन दोनों में देखो कॉमन कॉमन आया एक्स प्लस टू। और यहां से फाइव आया और से टेन ठीक है जी इनमें से कॉमन आ रहा है एक्स तो ना एक्स प्लस टू मिनट अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगी ये सब कुछ क्योंकि ये सब कुछ मैं आप लोगों को अलहमद बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ पहले मिडिल स्प्रिटिंग में जिन बच्चों ने मेरे फैक्टर लेक्चर्स को वॉच करते हुए आ रहे हैं तो वो मेरे से पहले कर रहे होंगे ये सारी चीज़ें अलमदुल्ल मैंने आप लोगों के बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं ठीक है जी अब यहाँ पे आप देख रहे हो उन चीज़ नोट करो कि थ्री का टेबल टू टाइम पढ़ा तो सिक्स आ गया अब इन फैक्टर्स को पहले जो सेम है उनको कॉमन को एक तरफ कर लो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस फाइव यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस टू कॉमन दोनों में बाहर आ गया एक्स प्लस फाइव यहाँ से कॉमन है एक्स प्लस टू और हमारे पास एक्स प्लस थ्री क्लियर हो गया अब आप एक चीज नोट करो थ्री है और ये भी थ्री है तो क्या मैं इसको एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ टू वाला जो है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ देखो थ्री वाला ये था टू वाला एक ये और एक ये फाइव वाले भी दो हैं तो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर मुझे तो चाहिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं इसी के ऊपर एक स्टेप स्किप करते हुए इसी के ऊपर लगा देते हैं हम अंडर रूट रूट लगा देते हैं इन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा नाउ आंसर इज एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फाइव चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक like करें मिलते हैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर टू के साथ जब तक के लिए हाफिज